नमस्कार। आमतौर पर हमने देखा है कि बच्चे ज्योमेट्री से बहुत डरते हैं, लेकिन दोस्तों सच बताऊं, यदि हमारे अपने बेसिक्स क्लियर हों तो ज्योमेट्री सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से त्रिभुज के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। आइए इसे हम एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। यहाँ हमारे पास दो भुजाएं हैं, लेकिन ये दोनों इतनी छोटी हैं कि आपस में मिल भी नहीं पा रही हैं। यानी जो तीसरी भुजा है, ये दोनों भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से छोटा है, तो हम देखेंगे कि कहीं पर भी ये त्रिभुज बनना संभव नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, लेकिन यदि हम इनको कहीं भी घुमाएं तो त्रिभुज नहीं बन पा रहा, क्योंकि इन दो भुजाओं की लंबाई का योग इस तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा है। आइए देखें कि यदि दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इन दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बिल्कुल बराबर है, तो भी हम देखेंगे कि कहीं पर भी त्रिभुज नहीं बन पा रहा। आइए अब हम कुछ और भुजाएं लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों पीली भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसीलिए इनको हम जब थोड़ा दूर एक्सटेंड करेंगे तो यह एक त्रिभुज बन पा रहा है। इसी प्रकार से इन दो भुजाओं की लंबाई का योग इस तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा है, इसीलिए जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो यह भी एक त्रिभुज बन पा रहा है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि एक त्रिभुज की लंबाई, एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है।